बोल दिया कि ये ठेकरा तुम्हारे से तो फूटेगा अशोक जी, फिर बोल रहे तुमको हम, ये तुम्हारी सह नहीं थी तब भी तुमसे अलग क्यों नहीं हो बूंदी वालों से, हम खोए वालों को मानेंगे, बिजनेस करना नहीं धंधा बदल दो, जितने यहाँ कारोबारी हैं सुन ले, ये तो धंधा बदल दो या छेड़खानी करना बंद कर दो, जो कारोबार चल रहा है उसमें सहयोग करो, ये सरकार के इशारों पर कार्रवाई होती है, सरकार के नियमानुसार कार्रवाई होती है, हमारा हमारा दुश्मनी नहीं किसी से, जिस प्रकार से यहाँ 50-50 ग्रुप बैग लेके भाग रहे हैं, बैग मोबाइल 5-5 50-100 आदमी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बातें नहीं है, बैठ जाओ, सब तो अज्ञात में भाई, सब जितने पूंजी एसोसिएशन है सब पूंजी भाई, सब पूंजी वाले दो तीन बच्चे इधर बैठे हैं, बच्चे फूट जाते हैं, अब तो नाम बताइए, मैं कहने को बात कर रहा हूं, हम ये करें कोई बात ही नहीं, ये आदमी कहां पर रो रहा है, कौन है क्या निर्देश है, क्या निर्देश है, व्यापारी छुट्टी चेंबर में लिखा है, और दी पीपुल बाय दी पीपुल टू दी पीपुल चेंबर में लिखा है, जनता के विपरीत कोई सरकार है, कोई शासन है, कोई अधिकारी जनता के विपरीत है, जनमानव के विपरीत है, अगर ये मिलावटी बेचना हम खा रहे हैं मिलावटी, पारदर्शी व्यवस्था करिए, मौके पर जांच करिए, कहाँ वहां रखा है, कहाँ लैब है तुम्हारी, कहाँ लैब है, कहाँ लैब है, लखनऊ में लैब है ना, मौके पर लाइए लैब, मौके पर करिए परीक्षण, तो ना आपको नहीं करने देंगे, हम जाइए आप करिए, आप गुंडाई जी करिए, आप पूरी तरह करिए, मंडी में हम लोगों ने, हमें कन्हैयालाल यादव नाम है और हम लोग खाद्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं कानपुर नगर में, और डीएम साहब के निर्देशानुसार शासन की मंशा के अनुसार से यहाँ पे हटिया खोया मंडी में हम लोग नमूना लेने आए, यहाँ पर जब मैं कार्रवाई कर रहा था, हम लोग चार्ज का कार्रवाई कर रहे थे चाड़त पे मनोज जी के यहाँ यहाँ पे वहाँ पे, इसके बाद जैसे देखा कि बाहर से कुछ लोग, पता चला बूंदी एसोसिएशन वाले लोग आए यहाँ पे हमला करने की कोशिश कर रहे, मेरा बैग छीन रहे, नमूना छीन रहे, मोबाइल छीन रहे, 5-5 करीब 100-100 अज्ञात लोग यहाँ पर आए, इस प्रकार की कार्रवाई रोकी, बाधित किया और नमूना लेने से, आपके साथ क्या मारपीट की, मारपीट धक्का मुक्की हुई है, नमूना छीनने में, बैग छीनने में, मोबाइल छीनने में, छीन ले गए, किस बात को लेकर यहाँ पे आए थे, क्या बातें हुई अधिकारियों के बीच, लगातार बाजारों में इस बात की शिकायत आ रही है कि अलग अलग विभाग के लोग जा करके त्यौहार के मौके पे व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो तो वो चालान काट रहे हैं, कहीं पुलिस चालान काट रही है, और सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न कर रहा है तो फूड विभाग के सैंपलिंग के लोग, इनका कोई तौर तरीका नहीं है, कोई मानक नहीं है, जिसका चाहते हैं सैंपल भर लेते हैं, जब चाहते तब सैंपल भर लेते हैं, इसको लेकर के व्यापारियों में बहुत आक्रोश था, आज व्यापारियों ने अधिकारियों का घेराव किया था, व्यापारियों की मांग पर जब हम आए तो हमने देखा कि अधिकारियों का रवैया तानाशाही पूर्ण था, इस रवैये के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, और अधिकारियों की इस बात के लिए ताकीद किया है कि बगैर व्यापारी संगठनों को, बगैर क्षेत्रीय पार्षदों को, गणमान्य लोगों को साथ में लिए अगर गैर पारदर्शी तरीके से कोई सैंपलिंग होगी तो हम सब लोग डट करके उसका विरोध करेंगे, अगर कहीं सैंपलिंग करनी है, कहीं चेक करना है, तो या तो उसकी व्यवस्था मौके पर चेक करने की हो, या फिर उसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के बाद ही हम सैंपल लेने देंगे, क्योंकि व्यापारियों का यह हाल कर दिया है कि एक बुजुर्ग की स्थिति ऐसी थी कि अगर हार्ट अटैक आ गया होता तो शायद उनकी जिंदगी पे बन आती, ये इनका अधिकारियों का आतंक है व्यापारियों पर, लेकिन अब हम लोगों के रहते हैं ये सारे जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, पार्षद हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, मोनू गुप्ता जी हैं, पूर्व सुशील तिवारी जी हैं, ऐसे जागरूक लोगों के रहते ऐसा उत्पीड़न हम लोग होने नहीं देंगे।